फकीर वाली से अहम खबर आपको देंगे। फकीर वाली में सालाना उर्स मुबारक। आज शेख तरीकत हजरत किबला सैयद फैजुल हसन शाह तनवीर कादरी का 34वां सालाना उर्स मुबारक मदरसा फैजुल उलूम फकीर वाली में मुनक्कद हो रहा है। उर्स मुबारक की तकरीबात सुबह नमाज फजर से मिजार पुरनवार पर कुरान खानी से शुरू है। उर्स मुबारक की पहली नशिस्त शुरू हो गई है, जिसमें नात ख्वां हजरात और उलमा कराम हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया अकीदत पेश करेंगे। 2 बजे तक दूसरी नशिस्त शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे ख़त्म शरीफ और दरबार शरीफ पर चादर पोशी होगी। उर्स मुबारक के अख्तिताम पर दुआ होगी, खुसूसन मुल्क पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए दुआ होगी और आखिर में आए हुए मेहमानों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मदरसा फैजलुम फ़कीर वाली अहल सुन्नत की अजीम दरसगाह इनके बानी हज़रत किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब तनवीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपका 34वां सालाना उर्स मुबारक बड़ा तज़ो एहतशाम के साथ मुनक्कद हो रहा है फ़कीर वाली में। इसमें उलमाए कराम नात ख़्वां हज़रात आपके अकीदतमंद ज़ायरीन आज का दिन यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और अपने शेख के कामल की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं। नून लीग के गल्फ के सदर हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और डॉक्टर मदर इकबाल साहब MP है वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत जनाब सैयद फैजुल हसन शाह साहब तनवीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ार पाक पर हाज़िरी होगी, वहाँ पर चादर पोशी की जाएगी, लंगर का वसी तरीन इंतज़ाम होगा और ज़ायरीन और इलाके के तमाम लोग खुसूसन फ़कीर वाली गर्दोनवा की जो शख्सियात आती हैं उनको खाना वगैरह दिया जाता है, जो शाम तक तकरीबात रहती हैं और बाद में इख्तिताम दुआ पर होता है। तकरीब के आखिर में जब उलमाए कराम की तकरीर और नात खानी के बाद ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा और ख़त्म शरीफ के बाद दुआ होगी, उस दुआ में मुल्क पाकिस्तान के लिए इलाके की खुशहाली, मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज की खिदमात जो उन्होंने हमारे मुल्क को कौम के लिए दी हैं उन शहीदों गाजियों मुजाहिदों के लिए दुआएं मांगी जाएंगी और मुल्क पाकिस्तान में जो इंतशार को ख़त्म किया गया है उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जो फौज और हुकूमत पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए जिस मुस्तादी से कोशिशें कर रही हैं हम उसको भी खराज तहसीन दुआओं में पेश करेंगे और उनके लिए भी दुआएं मांगी जाएंगी।